हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे बजट 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, क्योंकि बजट जो है वो आपका 1 फरवरी को पेश हुआ था और अब अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो इसका रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम जितने भी आपके, तो बजट से क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं बनेगा उसमें। तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही डिस्कस करेंगे, वो भी एक क्विज के फॉर्मेट में, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद रह सके और आपका जो है वो रिवीजन हो सके। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में किसने पेश किया। तो ये जो बजट जो है ये किया था निर्मला सीतारमण जी ने पेश। तो निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट जो है वो पेश किया था। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? देखिए, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण जी ही बनी है। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट देखिए, अब 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा, यानी अब 5 लाख रुपए तक की अगर कोई वार्षिक आय है तो उस पर जो टैक्स है वो 0% यानी शून्य टैक्स अब देना होगा। 5 लाख तक कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना, जो कि पहले 2.5 लाख तक था कि कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता, तो अब उसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया, यानी 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट देखिए, अब 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक कितना टैक्स देना होगा, यानी 5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच अगर वार्षिक इनकम आपकी है तो उस पर आपको 10% टैक्स अब देना होगा। 5 लाख तक शून्य टैक्स है, 5 लाख से 7.5 लाख 10% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट देखिए, अब 7.5 लाख से 10 लाख तक के रुपए पर कितना टैक्स देना होगा, तो ये टैक्स आपका 15% होगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक कितना टैक्स देना होगा, 20% टैक्स, यानी 7.5 लाख 10 लाख से 12.5 लाख तक कितना होगा, 20% टैक्स। और अगर 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो उस पर टैक्स कितना होगा, तो ये टैक्स होगा आपका 25%। अगर 15 लाख से अधिक आपकी आय होती है तो ये जो आपका टैक्स होगा ये 30% टैक्स होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बनेगा कि इतने रुपए से ऊपर अगर आय है, इसके बीच में अगर आय है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो 15 लाख से ऊपर जो टैक्स है वो 30% लगेगा, 5 लाख तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आपके कोई ना कोई एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य निर्यात को 1 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य, यानी मत्स्य निर्यात जो है उसको 1 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो किस साल तक रखा गया है, तो वो रखा गया 2024-25 तक। इंपॉर्टेंट रहेगा, मत्स्य निर्यात को 1 करोड़ तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो कब तक का है, 2024-25। नेक्स्ट देखिए, देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का है, तो इसका जो आंसर है वो 2022-23 है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था मत्स्य निर्यात को 1 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। तो 1 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य कितना है, 2024-25, और इसको अपने अगर बात करें 200 लाख टन तक मत्स्य उत्पादन पहुँचाने का, वो है 2022-23। भारत नेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायत को फाइबर टू द होम से जोड़ा जाएगा, इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसके लिए जो रुपए आवंटित किए गए हैं वो 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना कौन सी है, फाइबर टू द होम, और इसका उद्देश्य क्या है, भारत नेट के माध्यम से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सालय की पेशकश की जाएगी, यानी 2000 दवाएं और 300 शल्य चिकित्सालय की पेशकश जो है जन औषधि केंद्र योजना के तहत किस वर्ष तक की जाएगी, तो इसका आंसर होगा 2024 तक, यानी 2024 तक जन औषधि केंद्र योजना के तहत सभी जिलों में 2000 दवाएं और 300 शल्य चिकित्सालय जो है वो पेशकश की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा, किस वर्ष तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो टीबी को जो ख़त्म करने का लक्ष्य है वो है अपना 2025 तक, यानी 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य को अपने को कंप्लीट करना है। जल जीवन मिशन योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी जो जल जीवन मिशन योजना है इसके अंतर्गत जो रुपये आवंटित किए गए हैं वो किए गए हैं 3.60 लाख करोड़ रुपये।
जल जीवन मिशन योजना के तहत 3.60 लाख करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके लिए जो रुपए आवंटित किए गए हैं वो किए गए हैं 6400 करोड़ रुपए। 6400 करोड़ रुपए, 6400 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को कब तक पुनर्विकसित किया जाएगा, यानी उड़ान योजना के तहत अगर बात की जाए तो पहला जो उड़ान योजना है वो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ है। अभी हाल ही में इसका रिसेंट क्वेश्चन था कि उड़ान योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो उत्तराखंड से। और उड़ान योजना के तहत बजट के अंदर जो 100 और हवाई अड्डों को पुनर्विकसित करने का लक्ष्य रखा था वो कब तक का है, वो 2024 तक का है। यानी 2024 तक उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को पुनर्विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम ने जमा बीमा दायरे को प्रति जमाकर्ता 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, यानी अब अगर आपके अंदर बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर आपके अगर पैसे डिपॉजिट है, तो पहले 1 लाख रुपए तक आपके पैसे सुरक्षित थे। यानी आपका विड्रॉल अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक के कुछ भी हो जाता है, तो 1 लाख रुपए तो आपको भुगतान करना ही होता था बैंक को। अब क्या है, इस सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख रुपये कर दिया है। यानी जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम ने इस सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख रुपए कर दिया, जिसको अपने DICGC बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत ये अब 5 लाख रुपए आपको बीमा के रूप में जो भी आपकी राशि जमा है उस पे मिलेंगे। तो 5 लाख रुपए तक अब आपके बैंक में सुरक्षित हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी स्वच्छ भारत जो है उसके लिए जो बजट 2020 है उसमें कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 12,300 करोड़ रुपए। 12,300 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट 2020 में आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, महिला किसानों के लिए बजट 2020-21 में कौन सी योजना की घोषणा की गई है, तो महिला किसानों के लिए बजट 2020-21 में धन्य लक्ष्मी योजना जो है वो बजट 2020-21 में महिला किसानों के लिए है, उसकी घोषणा की गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नीचे आपको इसी तरह के ऑप्शन मिले हैं, प्रधानमंत्री लक्ष्मी योजना, फसल बीमा योजना, नारी शक्ति योजना। तो ये ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ करने वाले हैं, इसे ही आपको जो है ऑप्शन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपने ये पढ़ा जरूर होगा, पर वहाँ पे ये ऑप्शन देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि नारी शक्ति योजना भी हो सकता है, धनलक्ष्मी योजना भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद करके रखना है इस चीज़ों को। तो धन्य लक्ष्मी योजना जो है वो महिला किसानों के लिए बजट 2021-22 में घोषणा की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है, यानी G20 का जो 2022 का शिखर सम्मेलन है वो भारत के अंदर आयोजन होना है उसका, तो उसके लिए जो बजट के अंदर प्रस्ताव किया गया है वो 100 करोड़ रुपए का किया गया है। 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। बजट 2020 में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव पास किया है, यानी दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें 9500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया गया है। तो 9500 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है। किस वर्ष तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता दोगुनी हो जाएगी, यानी दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता जो है वो कब तक दोगुनी हो जाएगी, तो वो है वो 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता जो है वो दोगुनी हो जाएगी। तो ये लक्ष्य जो है कब तक का रखा गया है, तो 2025 तक का रखा गया है। और दूसरा लक्ष्य जो 2025 तक रखा गया है वो कौन सा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, यानी टीबी मुक्त देश को बनाने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। एक लक्ष्य अपना 2022 तक है, जिसमें किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है, 2022 तक। उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए जो रुपये मंजूर किए गए हैं बजट 2020-21 में, वो 27,300 करोड़ रुपए। 27,300 करोड़ रुपए उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए मंजूर किए गए हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बजट से, जो 2020-21 का आपका बजट था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से डेफिनेटली आपके 2 या 3 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, UPSC हो, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का एक बार दोबारा से देखिए, वीडियो को पूरा रिवीजन कीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो इसी तरह के हम क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, कॉमेंट के आपका रिप्लाई
इंडिविजुअली रिप्लाई हर किसी का किया जाता है, जो कि हर चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको चाहिए मंथली PDF, वीकली PDF करंट अफेयर्स के लिए, तो उसके लिए आप अफेयर्स क्लाउड का जो है वो कोर्स ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।